भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन पिपरौन बीओपी के जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के दौरान दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एसएसबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित पिपरौन जटही ट्रेड रूट चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान जवानों ने एक कार में सवार कुछ लोगों को नेपाल से भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते देखा। कार में चालक के अलावा एक महिला व एक पुरुष सवार थे। शक होने पर एसएसबी जवानों ने उन्हें रोककर पूछताछ की। पूछताछ में कार में सवार दोनों विदेशी निकले, जिनके पास भारत में प्रवेश करने का कोई वैध कागजात नहीं मिला, जिसके बाद चालक सहित तीनों कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार महिला की पहचान टाटू नमोडुडू के रूप में हुई है, जिसके पास से युगांडा का पासपोर्ट मिला है, जबकि पुरुष का नाम तेज मरियप्पा है, जिसके पास से अमेरिका का पासपोर्ट मिला है। दोनों के पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी है। वहीं ड्राइवर दरभंगा का रहने वाला संतोष कुमार यादव बताया गया है। वो अपनी कार से इन्हें नेपाल से भारत में प्रवेश करा रहा था। एसएसबी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए औपचारिकताएं पूरी कर गिरफ्तार तीनों आरोपियों को हरलाखी थाना को सौंप दिया है, जहां से प्रक्रिया के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मीडिया लाइव न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।